मैं हूं लेफ्टिनेंट कर्नल मोहनलाल। देश का बच्चा बच्चा इस जगह से वाकिफ है जिसे हम कहते हैं वाघा बॉर्डर। इन गेट्स को हम सब ने देखा है। हर रोज यहां ये परेड इसी उत्साह के साथ आयोजित होती है। ये गेट जो हर रोज खुलते हैं और बंद होते हैं, इसके उस पार है पाकिस्तान। जब जब यहां पर मौजूद लोग आजादी की खुशी जाहिर करते हैं, सच्चाई उजागर होती है। ये अंग भंग के समान है, जैसे कि हमारे शरीर का कोई हिस्सा हमसे टूटकर अलग हो गया हो, यानी पार्टीशन, विभाजन, जिसके जख्मों से खून अभी भी रिस रहा है। जगह जहां गेट खोलने और बंद करने की रस्म नहीं है, जहां सरहदें बनाने वाली लकीरें नहीं हैं, वो जगह है कश्मीर। वहां है बारिश, बर्फ और जमा देने वाला तापमान। जात पात की सीमाएं नहीं है, उनके जहन में बस एक ही बात है, हिंदुस्तान। वो बरसों से हमारी रक्षा कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल, एक रेखा जो न कभी बनाई गई और न ही कभी मिटाई गई। सैनिकों द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक रेखा है ये। कुछ जगहों पर शायद पूरा मैन पावर होगा और होंगे हथियारों से लदे कैंप्स, पर कुछ जगहों पर होंगे तार के दोनों तरफ खड़े दो व्यक्ति। एक व्यक्ति आदतन उस पार खड़े दूसरे व्यक्ति को अपना दुश्मन समझता है। ये कहानी उन्हीं की है, हर उस दूसरे जवान की कहानी जो हमने जरूर सुनी होगी। तो पागल हो गया क्या? क्या हो रहा उधर? बगाड़ी, अंदर आ जा। कुछ तो बोल साले।
तेरी तो अबे पाकिस्तानी हम पे गोली क्यों चला रहा है? उसको ऊपर से हुक्म नहीं मिला है क्या? अबे तेरी मैं लेता हूं। बकाडी, वो तो उनके बंकर पर भी गोली चला रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। तो ठीक तो है। बस दो दिन और मैं यहां से वापस जा चुका होता। सिर्फ दो दिन। मान लिया भाई, अभी मान लिया तेरे को। उड़ा दो सालों को, उड़ा दो। मुशर्रफ, सुनाई नहीं देता क्या? हरी सीओ साहब को सब कुछ बता दे। तूने रजिस्ट्री ऑफिस में सारी तैयारियां भी कर ली हैं। तू वापस नहीं गया तो लक्ष्मी की शादी किसी और से हो जाएगी। हरी मेरी बात समझ, तेरे बिना लक्ष्मी वहां बिल्कुल अकेली है। तू तो जानता है ना, पिकेट 43 की पोस्टिंग के बाद तू 6 महीने तक छुट्टी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अपने घर के बुरे हालात को देखते हुए भी तू ऐसा कैसे कर सकता है मेरे यार? ए हरी, कब से ढूंढ रहा हूं यार तुझे। सीओ साहब बुला रहे हैं, उन्होंने जल्दी आने को कहा है। हरी मेरी बात मान, सीओ साहब को सब कुछ बोल दे। देख मुझे पूरा विश्वास है कि वो तेरी बात जरूर मानेंगे। नहीं, मुझे नहीं समझना। जिसकी भी पोस्टिंग पिकेट 43 पे की जाती है वो सब यही बहाने बनाते हैं, शादी, कोई मर गया, फंक्शन। ये ठीक नहीं है हरी। पहले ही लोगों में यह धारणा बनी हुई है कि मैं अपने राज्य के लोगों के साथ पार्शियलिटी करता हूं। अगर इस समय मैंने तुम्हारी लीव सैंक्शन कर दी ना, तो मुझे बहुत से ऑफिसर्स को जवाब देना पड़ेगा। सर, मेरी छुट्टियां पहले ही सैंक्शन हो चुकी हैं। मेरे घर की हालत सच में बहुत खराब है। अगले सोमवार तक अगर मैं रजिस्ट्री ऑफिस नहीं पहुंचा तो फिर मेरी शादी कभी भी नहीं होगी सर। जानते हो, अगर एक जवान से कहा जाए कि देश की रक्षा के लिए शादी जैसी चीज को कैंसिल कर दो, तो ये इसकी ड्यूटी है कि वो ये सोच ले कि शादी जैसी चीज के लिए वो बना ही नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता हरी, तुम्हारी लीव कैंसिल कर रहा हूं। सर, इट्स एट अ टाइम ऑफ क्राइसिस दैट यू कैन प्रूव अ सोल्जर इन यू। नाउ स्टॉप बीइंग अ विम्प एंड गेट रेडी टू लीव। और इस बार तुम्हारे साथ बकाडी भी जाएगा। लेकिन सर मैं पीता नहीं हूं। बेवकूफ, ये हमारा सबसे बेहतरीन स्निफर डॉग है, बकाडी द लैब। हरी, रेगुलर सीज फायर वायलेशंस वाली आउटपोस्ट है पिकेट 43। बी अलर्ट एंड स्टे अलाइव।
फिर मिलेंगे अगर तू जिंदा रहा। क्या तेरी तो ठीक है यार। अरे मेरा स्लीपिंग बैग तो ले जा। ये ले। तो चले। आजा, यहां बस हम दोनों ही हैं। उसको मारने के बाद उसके कटे हुए सर को फ्लैग पोस्ट पे टांग दिया।
पिकेट 43 कॉलिंग बेस। मुझे वो वॉकी ला के दे। वॉकी ला रहा है। अंदर जा। हरी फ्रॉम पिकेट 43। हरी फ्रॉम पिकेट 43। पिकेट 43। Picket 43 calling base. Base, come in. अरे बाप रे। बकाड़ी, वो कपड़ा ले गया। ला। Good boy. जाओ उधर। हेलो पिकेट 43। हेलो पिकेट 43। हेलो पिकेट 43। छे अल्फा 4 कंट्रोल, पिकेट 43 हेवी फायरिंग, ओवर। आई एम सॉरी सर, एक्सक्यूज तो हजारों हो सकते हैं। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, हरी इज माय बॉय एंड ही इज फाइटिंग इट अलोन। इट्स माय मॉरल रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट हिम। आई कांट लीव हिम लाइक दैट। सर इनसे बात कीजिए। मुझे कुछ नहीं पता है। गेट द ब्लडी लाइंस क्लियर फास्ट। आई वॉन्ट टू स्पीक टू हिम। Listen, get your bloody troops ready and move on fast. उसे कुछ नहीं होना चाहिए। So, move. Roger sir, we are moving. शरफ, मैं अकेला लड़ रहा हूं यहां, कुछ तो कर। मशरफ, सलाम अलैकुम। बैठना नीचे। हाँ? नीचे बैठ रहे। क्या हुआ भाई? अरे बैठना। बैठ। पागल है, खुल के घूम रहा है। अरे हुआ क्या भाई? हिंदुस्तानी फौजी है, गोली मार देगा। तुम उसका माँ को जानते हैं? नहीं तो? तो तुमको कैसा मालूम? ऐसा नहीं बोलने का भाई। कितना दिन हो गया तुमको इधर? 8 महीना। अभी तक तो नहीं मारा ना? हा? अरे शादी में आया क्या तू? मूड हो गया तो बीच बीच में गोली मारते रहना, ठीक है? समझ गया? समझ गया भाई। हाँ। अभी गाड़ी तुम्हारा नीचे इंतजार करता है और घर में बीवी। तुम जाओ। खुदा हाफिज। अरे नीचे बैठ।
अब तक उसका शक्ल भी नहीं देखा मैंने। बीच बीच में गोली मारते रहना, मतलब दबा के रखना, छोड़ना नहीं इनको, समझ गया? ठीक है, समझ गया। खुदा हाफिज। बकाड़ी इधर 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 बकाड़ी। लगता है ड्यूटी से छुट्टी मिलने की खुशी जाहिर कर रहा था। मुशरफ क्या कर रहा है यार, बैठना। ओ मुशरफ, ओ मुशरफ। ना बकाड़ी, शो ऑफ बिल्कुल मत करना, हाँ नहीं तो वो गोली मार देगा। जो बंदा यहाँ से गया उसने मुझे एक दिन भी चैन से नहीं रहने दिया, हर रोज बिना नागा फालतू की गोलाबारी। ये जो अब आया ना, ये तो मुझे और भी पागल लग रहा है। हेलो सर, अगर आप यहाँ ऐसे ही बैठे रहे तो हम भूखे मर जाएंगे, आज राशन सप्लाई का दिन है, चल बे। अब चलना। मैंने ये कभी नहीं सोचा था, ये तो चमत्कार है कि अकेले रहकर इन पहाड़ों में अभी तक वो जिंदा है। अकेला? अरे वो अकेला नहीं है, उसके साथ जो कुत्ता है ना वो अकेला 10 के बराबर है। अरे उसे कुत्ता मत बोल, उसने सुनिए तो तुझे छोड़ेगा नहीं, उसका नाम है हवलदार बकाड़ी। अरे वाह, बेस कैंप से लेटर आया है, हमें तो पहले से ही पता था कि इसमें क्या है ना। लीव नॉट सैंक्शनड। चलो शुक्र है, खाना तो है। ये बिल्कुल लॉटरी टिकट खरीदने की तरह है, निकल गई तो अच्छी किस्मत है। मणि भाई। हेलो। हेलो हेलो मणि भाई। हेलो, मैं हरी बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ हरी, हरी पिकेट 43 से। हाँ हाँ हरी। हाँ हाँ हरी बोलो। भाई भाई, वो मेरी माँ का कोई लेटर आया क्या आपके पास? तुम्हारी माँ का तो नहीं आया, सीओ साहब का लेटर आया था, वो तो मैंने भेज दिया। ओह वो तो मिल गया मुझे। लिखा है मेरे दोस्त पहाड़ों पर खूब मजे करो, छुट्टियाँ तो तभी मिलेंगी जब सीओ साहब उस पर साइन कर देंगे। दिनेश ने तो पहले ही कहा था एक बार यहाँ आया तो छुट्टियाँ तो मेरे लिए सपना है। तेरी किस्मत अच्छी है, हम लोग तो यहाँ पर बहुत परेशान हो रहे हैं। अरे तुझको पता नहीं, पिछले हफ्ते 3 जवान मारे गए, अपने मेजर मुकुंद सर भी। क्या मुकुंद सर? और फिर? अरे फिर क्या, हमने उन्हें सैल्यूट किया और उन्हें श्रद्धांजलि दे दी। मुकुंद सर की बेटी सिर्फ 3 साल की है, यही जिंदगी का खेल है मणि भाई, आज है कल का पता नहीं रहेंगे कि नहीं। हाँ तू बिल्कुल सही कह रहा है मेरे भाई, और बता वहां क्या चल रहा है? पुराना आदमी हट गया है, कोई नया आया उसकी जगह पे, अपने आप को बड़ा 30 मार का समझता है। जब से वो आया है ना तभी से बंकर के सामने सीना तान के घूम रहा था, अगर किसी दिन गोली पड़ गई तो सारी हेंकड़ी निकल जाएगी, अपनी सारी हीरोगिरी भूल जाएगा वो। अब मणि भाई, वो जरा थंबी सर से रिक्वेस्ट करना कि वो कैसे भी करके सीओ साहब से मेरी छुट्टियां सैंक्शन करवा दे, आपको तो मेरे घर की हालत पता ही है ना। हेलो मणि भाई, मणि भाई,
शुक्र है इतनी देर तो बात हो गई। क्या हुआ बगाड़ी? हे भगवान, भगवती माँ, मेरी रक्षा करना, मुझे यहां से वापस जिंदा भेज देना। कोई नया लेटर नहीं आया तो चलो पुराना ही पढ़ लेता हूं। उम्मीद करती हूँ तुम सही सलामत हो मेरे बेटे। पता नहीं तुझे दोबारा कब देख सकूंगी। तू चिंता मत कर, जानती हूँ तुम वहाँ देश की सेवा कर रहे हो। मुझे भी यहाँ कोई परेशानी नहीं है। हाँ बस थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जो अभी 3-4 दिनों से बढ़ गई है। पर सलमा मुझे हर रोज डॉक्टर से दवाइयाँ लाकर देती है। डॉक्टर ने कहा है मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तू चिंता मत कर, तुम खाना वक्त पर खाते रहना। बहुत लापरवाही करते हो तुम। मैं तुम्हारी लंबी उम्र के लिए भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हरी की तरफ से। हरी तू कब आया? कल शाम को। बहुत अच्छा बेटा, अब कुछ समय के लिए ठहरेगा ना? सिर्फ 2 हफ्ते पंडित जी। अरे बड़ी पूजा तक तो रुक जा। जी पंडित जी। अरे तुम यहाँ इंतजार कर रही थी? तो मैं क्या करती, अंदर जाती हूँ तो वो मेरे ऊपर शुद्धि के लिए गंगा जल छिड़कना शुरू कर देते हैं। ये क्या, ये बिल्कुल भी मीठा नहीं है। पागल लड़की है, प्रसाद के लिए ऐसा नहीं बोलते। अच्छा मैं चलती हूँ, क्लास का वक्त हो गया है। हर महीने तुम मेरी पढ़ाई के लिए पैसे भेजते हो, अगर तुम्हारी बहन फेल हो गई तो तुम्हारे लिए शर्म की बात होगी। चल। एक बात बताऊं बेटा, तुम इतनी दूर जाओगे तो मेरा दिल घबराएगा। तुम्हारे भविष्य के बारे में भी मुझे बहुत चिंता होती है। कब तुम्हारी शादी होगी, कब हमारे घर बहू आएगी, कब मैं पोते पोतियों के साथ खेलूंगी। वैसे सलमा है मेरे साथ, जहीर के जाने के बाद तुम्हारे भेजे गए पैसों से ही इसका घर चल पा रहा है और ये अपनी पढ़ाई भी कर पा रही है। दिन में 5 बार तो कम से कम वो तुम्हारी सलामती की दुआ मांगते होंगे, यही बहुत बड़ी बात है। हरी, एरी, सुनना। माँ तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ए हरी, देख मैंने तेरा कितना बड़ा काम किया, अगली बार सिर्फ एक बोतल में ये सब काम नहीं करूंगा मैं। चल जा फुट। अब जब तुम मिलिट्री में जा ही रहे हो तो कम से कम हर रोज शेविंग किया करो। यूं देवदास बनकर यहाँ वहाँ घूमना अब तुम्हें सूट नहीं करता। और ये कैसे कपड़े पहनते हो, गांव वाले भी ऐसा मिलिट्री वाला देखेंगे तो बहुत हंसेंगे। गांव वालों से मुझे क्या मतलब है, तुम्हें क्या लगता है बस ये बताओ। बात ये है माय स्वीट हार्ट, आज नहीं तो कल मेरा ट्रांसफर हो ही जाएगा और उसके बाद मुझे बॉर्डर पे जाना पड़ेगा और वहाँ पर मुझे अपने दूसरे साथियों के साथ शेविंग वगैरह करके टिप टॉप रहना ही पड़ेगा। अपनी यूनिफॉर्म को भी चकाचक रखना ही पड़ेगा। सो माय डार्लिंग, तब तक के लिए मुझे इस दाढ़ी में घूम लेने दो, सुंदर लग रहा हूँ ना मैं? सिर्फ सुंदर लगने से कुछ नहीं होगा, 4-5 फोटो निकाल कर गाँव के पंडित जी को दे दो, शादी के लिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि मेरे घर वाले मेरी शादी जल्द ही किसी और से करवा देंगे। वैसे तुम्हारा ये मजाक मेरी समझ में नहीं आया। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने तुम्हें चिट्ठी में लिखा था ना, मेरे घर वाले मुझ पर शादी के लिए बहुत दबाव डाल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से तो पिताजी ने मेरी शादी करवाने का तो जैसे ठान ही लिया है। हरी, माँ को लेकर मेरे घर तुम्हें जल्दी आना होगा, मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगने के लिए। अब मैं अकेली ये सब नहीं रोक पाऊंगी। हरी तुम आओगे ना? दोस्त का बेटा है, अब उसे वचन दिया हुआ है तो मुझे लक्ष्मी की शादी इसी से करनी होगी चाहे जो भी हो जाए। ये मेरे दोस्त का बेटा है इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ,
बल्कि लक्ष्मी के अच्छे भविष्य के लिए ऐसा कह रहा हूँ, समझ गई ना? देखिए, लड़के का अच्छा खानदान होना चाहिए, दुबई में बिजनेस होना चाहिए, खाता पीता परिवार होना चाहिए, शहर में एक मकान होना चाहिए, और जहाँ तक दहेज की बात है तो कोई मांग नहीं, एक ग्राम सोने तक की मांग नहीं होनी चाहिए। ये बात तो मैं मानता हूँ कि ये शादी हमारे समाज से बाहर होगी, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें तो देखनी पड़ती है ना। अब इसे देखे तो लोग बातें बनाएंगे कि मेरा दामाद आर्मी वाला है, और तुम्हारे पास खुद का क्या है और तुम अभी तक उसी घर में रह रहे हो जो मेरे पिताजी ने बंटवारे के बाद मुझे दिया था। उसके बदले में मैंने अभी तक तुमसे कुछ मांगा क्या? मैं कुछ मांग भी नहीं रहा हूं। अब इस विषय में मैं कोई और बात नहीं करना चाहता। मुझे शादी में बहुत धूमधाम नहीं करनी। मेरे बस में जो कुछ भी होगा, अगली बार जब रमेश आएगा तो मैं इन दोनों की शादी कर दूंगा। हरी को तो शायद छुट्टी नहीं मिलेगी, पर देखो तुम्हें इस शादी में जरूर आना पड़ेगा, तुम्हारा आशीर्वाद जरूरी है। चलो अब मैं चलता हूँ, लेट हो रहा है। हमारी सोसाइटी गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह करवा रही है, तुम भी आ जाओ साथ में, कैटरिंग शहर से आया है। कोचिंग क्लास में मुझे अभी अभी पता चला कि लक्ष्मी के घर वाले उसकी शादी जल्दी ही करवाने वाले हैं। और पता है लड़का कौन है? वही अपना रमेश, जो अब दुबई में बहुत बड़ा आदमी बन गया है। किसको मालूम था कि वो मोटा सा सीधा साधा भोंदू सा दिखने वाला रमेश दुबई में इतना बड़ा आदमी बनेगा और इसकी जिंदगी में विलन बन जाएगा। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? उसे भगा कर ले जाओ यार, दोनों रजिस्ट्री ऑफिस में चले जाओ और वहाँ जाकर शादी कर लो, और क्या, बाद में जो होगा वो हम सब देख लेंगे फिर। अरे दोबारा छुट्टी कब मिलेगी? अगर अभी